वेल NH10 थिएटर्स में लग चुकी है और फिल्म के लगते ही NH10 ने चौके और छक्के मार दिए बॉक्स ऑफिस पर। आइए उनकी टीम से ही जानते हैं फिल्म के बारे में। वेलकम गाइज, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू। फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ओपनिंग वीकेंड अच्छी रही है, तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? लोग बहुत खुश हैं। yeah, obviously. बहुत मेहनत की थी इस फिल्म के लिए और बहुत ही दिल से बनाई हुई फिल्म है, लोगों के दिल तक उतर रही है, तो दैट्स ग्रेट। आई थिंक मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लड़कियों को ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड लड़कों को लग रहा है कि यार मतलब सुपर्ब है, लाइक एज दो दे वॉचिंग अ वीडियो गेम टाइप फीलिंग, यू नो, सो दैट इज़ सुपर। एंड आई थिंक ये एक इन अ वे क्रिटिक्स को पसंद आ रही है, जैसे मैंने कहा कि लड़कों लड़कियों दोनों को पसंद आ रही है, सो इन अ वे इट इज़ लाइक वेरी एक काइंड ऑफ लाइक अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आया है इस फिल्म का। यू नो, हमने भी नहीं होप किया था कि हमको लगा था कि इतना को लगा था अच्छा होगा, बट इट विल बी सो गुड, हमने नहीं होप किया था क्योंकि हम लोग बहुत हम्बल लोग हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि क्या कि हर आदमी इस चाहे लड़का हो लड़की हो, जैसे अनुषा कह रही है सबको पसंद आ रही है, इस फिल्म से रिलेट कर पा रहा है, उसको लगता है कि कोई हम भी इस सिचुएशन में हो सकते हैं, तो वो बहुत ही फिल्म को ऐसे देख रहे हैं जैसे उनके साथ ये घट रहा है, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फिल्म, दैट्स बिकॉज ऑफ नवदीप सर इमेजिनेशन, इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी रियलिस्टिक फिल्म बनाई। तो नवदीप, आपसे जानना चाहूँगी कि आपके साथ या कभी आपके जानने पहचानने वाले लोगों में से ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है, लाइक आइडिया कहाँ से आया फिल्म बनाने का? आइडिया ऑफकोर्स मेन आइडिया तो फ्रॉम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, फ्रॉम जो दोस्त हैं यार हैं, मैं खुद दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो इन इस टाइप की घटनाओं के बारे में काफ़ी टाइम लोगों से सुना था, बट पर्सनली जो शुरू में जो मीरा के कैरेक्टर के साथ इंसिडेंट होता है गुड़गांव में, वो मेरी वाइफ के साथ हुआ था, मतलब कांच वाँच नहीं तोड़ा था, बट एक कोई लोग बाइक पे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, और तो वो एक बेसिकली फ्रॉम वेरियस इंसिडेंट्स लाइक दैट। नील, आपके कैरेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, अपने फैंस को? I'm just really happy ke the people have liked what we've done collectively. So yeah, actually Arjun jo hai wo thoda ego hai usme, which is what takes them into this whole quicksand. So real life mein Neil ko kitna ego hai? Hai. ये तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। ईगो हम सब में है, दी एक्सटेंट कीप्स वेरिंग, लेकिन पहले आई थॉट दैट आई डोंट हैव एन ईगो, बट आई हैव वन। अनुष्का, कभी सेट पर नील ने अपना ईगो दिखाया है कभी कोई ऐसा मोमेंट? नहीं, नील को बस भूख लगती रहती है हमेशा, और उनको भूख बहुत लगती है, उनको नींद बहुत आती है, तो नील इज लाइक अ चाइल्ड, बच्चा होता है ना एक, मुझे भूख लग रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे बाथरूम जाना है, सो नील इज लाइक हैविंग नील अराउंड इज लाइक हैविंग अ चाइल्ड नेक्स्ट टू यू, यू नो, हम सब लोग नील के मतलब माँ बाप बन गए थे। यू कांट से दिस ऑन कैमरा यार। अच्छा अनुष्का, इस फिल्म में एक तरह से देखा जाए तो आपका डबल रोल है, एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन एक्ट्रेस, तो किस रोल को आपने ज़्यादा इन्जॉय किया एंड कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? यू कैन इन्जॉय बीइंग अ प्रोड्यूसर, बिकॉज जब वो इन्जॉयमेंट तब आती है जब फिल्म आपके पास आती है, आपको लगता है अरे ग्रेट, हम इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इट्स जस्ट वन टेंशन आफ्टर द अदर, बट अभी आई एम इन्जॉइंग बींग अ प्रोड्यूसर, बिकॉज अभी जब वो फिल्म लोग पसंद कर रहे हैं, दैट्स ट्रांसलेटिंग इन टू नंबर्स, जो हमारी फिल्म की फिगर्स हो रहे हैं एंड जो कलेक्शन हो रहा है, वो देख के आई एम इन्जॉइंग माई सेल्फ एज अ प्रोड्यूसर, सो या दैट्स हाउ इट इज। बट इतना इंटेंस रोल रहा है आपका इस फिल्म में, तो मतलब बींग अ प्रोड्यूसर कितना डिफिकल्ट रहा, मतलब एक्टिंग पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा एंड प्रोड्यूसिंग पे भी, तो कितना डिफिकल्ट था? क्योंकि ये फिल्म प्रोड्यूस मैंने करी है, मेरे भाई और मैंने साथ मिलकर करी है, और हम लोग एक बहुत सॉलिड टीम है, तो जब फिल्म को मैं शूट करी थी तब आई वॉज नॉट फोकस्ड ऑन इट एट ऑल, उसके पहले मैं इन्वॉल्व रहती थी, लेकिन ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ द फिल्म आई वॉज जस्ट नॉट इन्वॉल्व, बिकॉज आई नीडेड टू फोकस, क्योंकि मेरे लिए एज अ एक्टर ऑल्सो ये बहुत ही चैलेंजिंग रोल था, सो दैट्स वाई आई काइंड ऑफ केप्ट अवे फ्रॉम इट, एंड वी मैनेज्ड, we divided our responsibilities between the brother and sister. Acha, Anushka ne set par kitni producer giri dikhai hai, aap sabse janna chahogi? Hamesha bahut hi usme rehti thi, full attitude mein, aur humse baat bhi nahi karti thi, to baitho aur jaldi karo, ha zyada time mat lagao, khana mat khao, just kidding, hame lagaya hi nahi ki ye producer hai, balki ye hamare favor mein gaya, kyunki wo khud actor hai, itni achhi वो जानती है कि एक्ट्रेस को क्या चाहिए और कितना कंफर्ट चाहिए, तो हमारे लिए तो बहुत प्लस पॉइंट रहा कि वो एक्टर होते हुए प्रोड्यूसर थी, तो हमने तो शूट करते
बनाते वक्त बिल्कुल कहीं से नहीं पैशनेट प्रोड्यूसर्स या अच्छा दर्शन, इससे पहले आपने प्रियंका के साथ काम किया है, अब अनुष्का के साथ काम किया है, दो बॉलीवुड की गॉर्जियस डिवास के साथ काम किया है, तो अब आप बताइए सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ काम करके आया आपको? दोनों के साथ, आई वुड लाइक टू से हमारे एक्टिंग में एक कहावत है कि जब आप किसी अच्छे एक्टर के साथ काम करते हैं तो आपका आधा काम हो जाता है, क्योंकि आप एक सीन को कहीं से कहीं उठा कर ले जाते हैं, तो दो एक्टर्स मिलकर, तो इस मामले में मैं बहुत ही लकी रहा कि मैंने बहुत ही टैलेंटेड, दोनों टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। सो गुड थिंग्स अबाउट प्रियंका एंड गुड थिंग्स अबाउट अनुष्का, टू गुड थिंग्स। फर्स्ट आई स्टार्ट विद अनुष्का, बहुत ही पैशनेट है अपने काम के प्रति, बहुत डेडिकेटेड है, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट, और बहुत ही अच्छी सोल है। एंड आई विल से प्रियंका बहुत ही अपने काम को लेके जब तक उनका एकदम जब तक उनको परफेक्ट नहीं मिलता वो उसी में घुसी रहती हैं, वो है, और शी इज़ ऑल्सो वेरी डेडिकेटेड। सो दिस वॉज प्रेरणा विद कैमरामैन फैजान फॉर बॉलीवुड नाउ।